Hello friends, welcome in Baba Hawla. For 3-hour video, search in YouTube Baba Hawla. Welcome in my channel Baba Hawla once again. If you not subscribe my channel yet, please subscribe and hit the bell icon for never miss our video. Are you new or new viewers in Baba Hawla? Then please subscribe my channel and hit the bell icon for never miss any video. जी आप देख सकते हैं ये है रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक की मॉडिफाइड वर्शन। देखिए इसने मॉडिफाइड बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। फॉग लाइट लगाया है, सामने प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगाया है और ये जो पूरा क्रोम फिनिश का लेग गार्ड लगाया है जो कि इसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैच हुआ है भाई, देखने में तो कमाल की लगता है। और इसने तो सामने जो रिम होता है ना उसको अलग व्हील्स कर दिया है। जी आप देखिए एक झलक तो देखिए इसको कितना अच्छा लगता है, देखा मतलब कमाल की भाई, कमाल की बात है। इसने हैंडल बार में जो लाइट होता है वो भी लगाया है और टैंक पैड तो आता ही है बाइक के साथ। आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा क्या बताया आपको, बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है भाई। जो इनफील्ड वालों का तो फीलिंग से कुछ अलग होता है भाई, इनफील्ड है हमारे पास, क्या है इनफील्ड है। नॉर्मल सो बाइक वाला इसके सामने कोई टिकता ही नहीं है, उसमें तो दम नहीं है ना। जो बुलेट वाला आता है ना भाई, आ गया भाई बुलेट वालों में, कुछ तो बात है बुलेट में भाई। जब चलाते हो ना बुलेट और जो फटफट का जो साउंड आता है ना फटफट, उस साउंड ही कुछ अलग सी बात है भाई। ठीक है, आप देखते रहिए कैसा मॉडिफिकेशन किया है इन्होंने। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा भाई इसका मॉडिफिकेशन की कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी मॉडिफिकेशन किया है उसमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और भी गॉर्जियस लुकिंग आया है जो भी मॉडिफिकेशन किया है इन्होंने। और आपके लिए थोड़ा स्क्रीन शॉट भी दिखा रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके नीचे बताइएगा। और हाँ, इस बाइक के बारे में सारे डिटेल्स आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैंने रॉयल एनफील्ड की सिग्नल्स का जो डुअल चैनल वाला जो मॉडल है उसमें भी एक रिव्यू वाला वीडियो बनाया है, वो अगर आप देखना चाहे तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ना, ये बहुत ही गर्ज सकता है भाई जब चलता है, मतलब कमाल की बात है। और हैंडल बार लाइट भी लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी मॉडिफाइड इन्होंने किया है। और इसमें तो देखिए एलॉय व्हील्स भी किया गया है, ये जो एलॉय रिम लगाया है बाद में। एलॉय व्हील्स के अगर मॉडिफिकेशन अगर आप करते हैं ना तो देखने में बहुत ही गॉर्जियस लगता है, बहुत ही एट्रैक्टिव लुक आता है उसमें। ये ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन वाला नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा है। ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन में तो बहुत ही मुश्किल बात है भाई, आपको ना चाहते हुए भी हेडलाइट ऑन रहता है भाई, ये कैसी बात है भाई। हम चाहे फिर हेडलाइट ऑन करे तो ठीक है और ना चाहे तो बंद रखे, लेकिन इस ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन में क्या होता है, हमेशा जलता रहता है, अच्छा नहीं है। ठीक है, अब देखते रहिए कैसा है। अगर इसके बारे में कुछ भी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस बाइक के बारे में सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी और भी वीडियो की लिंक इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। और ऊपर आई बटन में जाके अब रॉयल इनफील्ड 350 सिग्नल्स का डुअल चैनल वाला ABS जो है उसका मॉडल का एक रिव्यू है, एक रिव्यू वाला वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन में जाके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो पहुंचा दीजिए। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो को बार बार आकर देखने के लिए दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।